आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना अंतर्गत ग्राम सभा बागापार में बीते एक हफ्ते से लगातार रोज सुबह और शाम महिलाओं द्वारा जल चढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के विकराल रूप लेने और क्षेत्र में लगातार हो रही मृत्यु के कारण भय का माहौल है। उससे बचने के लिए एक तरफ जहां लोग काढ़े और दवाओं के प्रयोग के साथ टीका लगवा रहे हैं, तो वहीं अब देवी देवताओं और भगवान के शरण में आकर विनती कर खुश करने का प्रयास कर इस महामारी को दूर भगाने की प्रार्थना भी हो रही है। लोग अपने अपने तरीकों से प्रार्थना कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम सभा बागापार में हाल ही में हुई मौतों के बाद गांव में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। पिछले एक हफ्ते से महिलाएं सुबह और शाम लगातार जल चढ़ा रही हैं और आज आखिरी दिन था, इसलिए पूरे ग्राम सभा की महिलाओं ने खेतों में ही पूड़ी और हलवा बनाकर देवी देवताओं को चढ़ाया और उसके बाद उन लोगों ने जल भी दिया। पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने हिसाब से कोरोना से मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जो एक बेहतर कदम है, दवा भी और दुआ भी। पिछले एक हफ्ते से महिलाएं गांव में स्थित तमाम देवी देवताओं के स्थलों पर पूरी श्रद्धा के साथ जल फूल चढ़ाकर कोरोना संकट से मुक्ति के लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।